दिनों से आरास्ता करके रब्बे करीम ने अपने महबूब को भेजा है, बल्कि खूबी वही है जो रसूल अरबी में है, जो उनमें नहीं है खूबी हो ही नहीं सकते हैं। कमाल वही है जो रसूल अरबी में है, जो उनमें नहीं है कमाल हो ही नहीं सकता है। अखलाक वही है जो रसूल अरबी में है, जो उनमें नहीं है अखलाक हो ही नहीं सकता है। नबी को जिस एंगल से देखो नबी लाजवाब है, नबी को जिस तरफ से देखो नबी बेमिसाल है, नबी को जिस सिर से देखो नबी की कोई मिसाल नहीं है, कोई नजीर नहीं है। नबी अपने हुस्नो जमाल जूतो निवाल चाहो जलाल फजलो कमाल हर कदम में बेमिसाल है, कोई सानी नहीं है। लाजवाब नबी दुनिया में आए हैं, बेमिसाल नबी दुनिया में आए हैं। हज़रत हसन बिन साबित हैं, सहाबी और रसूल हैं। 120 साल उनकी उम्र हुई है, 60 साल उन्होंने कुफ्र में गुजारा है, 60 साल उन्होंने ईमान में गुजारा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई थी उस वक्त हज़रत हसन बिन साबित खुद फरमाते हैं कि मैं 8 साल का बच्चा था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई 8 से 10 साल इनकी उम्र थी। नबी पाक की पूरी जिंदगी इनके सामने है। हज़रत हसन बिन साबित ने नबी के बचपने को देखा, नबी की पैदाइश को देखा, नबी के बचपने को देखा, नबी की जवानी को देखा, नबी के शब रोज को देखा है, नबी के दिन रात को देखा है, उनके हालात तैयबा को देखा है, उनके सीरत तैयबा को देखा है, नबी को उठता बैठता देखा है, खाता पीता देखा है, सोता जागता देखा है, नबी को चलता फिरता देखा है, नबी पाक को शादी ब्याह करता देखा है। हज़रत हसन बिन साबित है 60 साल निगाहें कुफ्र से देखते रहे, 60 साल निगाहें ईमान से उन्होंने देखा है। हसन बिन साबित कह रहे हैं, बड़े गौर से सुन लीजिए, एक सहाबी की बोली है, रसूल अरबी के सामने कह रहे हैं, 1400 साल बीत जाने के बाद जिन्होंने नबी को देखा भी नहीं है वो कहते हैं नबी हमारे जैसे हैं, रसूल हमारे जैसे हैं। जो नबी को जिन्होंने देखा है, नबी की विलादत देखी, नबी का बचपना देखा, नबी की जवानी देखी, उठते बैठते देखा, खाते पीते देखा, सोते जागते देखा, वो क्या कह रहे हैं? नबी पाक का चेहरा देख रहे हैं हसन बिन साबित, अभी कहते जा रहे हैं आपके जैसा हुस्न जमाल वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, निगाहें कुफ्र में भी नहीं देखा। आपके जैसा कमाल वाला किसी माँ ने जना ही नहीं, पैदा ही नहीं किया। आप तमाम ऐबों से पाक पैदा किए गए, गोया जैसा आप चाहते थे वैसे ही अल्लाह ने आपको दुनिया में भेज दिया है। सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल की बोली है जो रसूल पाक के सामने कह रहे हैं, हसन बिन साबित कह रहे हैं, वजमल मिन कलम तरकत वैनी वजमल मिन कलम कलिदिन निसा खुलित मुबर्रम मिन कुल ऐबिन कान लगा कमा पसा। जब हसन बिन साबित बोल रहे हैं तो फिर अल्लामा जामी कैसे खामोश कर सकते हैं? जामी कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, या साहिब अल जमाल, या सैयद अल बशर, मिन वजह कल मुरीद लकन नुबर अल खबर का यमकिन सनाओ कमा काना हकहु बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुक्तसर। खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, जब मदीने का हसन बोल रहा है तो हिंदुस्तान का हसन कैसे खामोश रह सकता है? अल्लामा जामी के शेर की तर्जमानी है ये, उर्दू में देखे तो सरकार इमाम इश्को मोहब्बत, मोहब्बत की दुनिया का बेताज बादशाह, इश्क की दुनिया का शहनशाह। इमाम इश्को मोहब्बत सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का कहूँ तुझे।